तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर का बना हुआ है, शेल के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मैं बोलता हूँ कंडक्टर, तो चार्ज ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंडक्टर के ऊपर। अगर ये मैं नॉन कंडक्टिंग बोलता, कोई ऐसा मटेरियल प्लास्टिक का, डाइलेक्ट्रिक का, जिसके ऊपर चार्ज स्टे कर सकता है, वो उसके ऊपर चार्ज कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन अगर ये कंडक्टर है, आप चार्ज को एक कोने से दे दो, ऐसे वो चार्ज अपने आप ही फैल जाएगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि रिपल्शन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री टू मूव है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए आपके जितने भी क्वेश्चन शेल पे आते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है मेटालिक शेल होता है या कंडक्टिंग शेल होता है। तो आपने एक शेल लिया, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है क्यू, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सिग्मा। अगर चार्ज लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने बताया था डेंसिटी क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा, सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा, और वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो। तो इसमें सिग्मा का मतलब है कितना चार्ज है और कितने एरिया के ऊपर है। इसका एरिया क्या है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया। मेरा क्वेश्चन है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मैं ई की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर आप, ये मेरा शेल है जिसके ऊपर चार्ज है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आप जहाँ ई निकालना चाहते हैं, टेक अ गॉशियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस ds। अब r डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, 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 अंदर भी है और बाहर भी है। तो गॉशियन सरफेस को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर। ये इमेजिनरी है, हवा में है, एक्चुअल में कोई स्फेयर नहीं है। तो गॉशियन सरफेस क्या बन गई, इमेजिनरी स्फेयर। तो इसमें इसका स्मॉल एरिया ds वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज लाइंस हमेशा बाहर निकाल लेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज अंदर लेके आएगा, पॉजिटिव तो बाहर निकाल लेगा, और वैसे भी आप यहाँ +1 रख के देख लें, ++ को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर भी बाहर है। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के अंदर की तरफ नहीं होता, हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होता है, तो इसका एरिया वेक्टर है। तो यहाँ पे ई वेक्टर ds वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, 0। तो इसमें कंप्लीट गॉशियन सरफेस क्या बनी, एक स्फीयर। हम फ्लक्स किसका निकालते हैं, गॉशियन सरफेस का। रेड कलर की गॉशियन सरफेस है, इसका छोटा फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस पे, ई डी एस कॉस 0। और पूरी रेड कलर की सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। तो रेड कलर का पूरी सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है कि ये बताओ आपने इंटीग्रेशन क्यों की, क्योंकि ये स्फेयर रेड कलर का इज अ क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज जो भी होगा वो बताओ एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, फ्लक्स आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या चार्ज होगा, इसके अंदर ये चार्ज है जो कितने रेडियस पे है, कैपिटल आर रेडियस पे है। अंदर जो चार्ज है वो नीले रंग के सरफेस पे है, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट भी फ्लक्स देगा। अब अंदर कितना चार्ज है, यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, चार्ज क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा R स्क्वायर। तो ये देखो सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा R स्क्वायर चार्ज आ गया। तो आप एक काम करें, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये बिना गॉस थ्योरम के, विद गॉस थ्योरम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। फ्लक्स के दो तरीके हैं, दोनों को यूज करके फ्लक्स निकाल लिया, इक्वेट किया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई की वैल्यू आ गई। तो ई की वैल्यू आ गई किसी भी शेल के सरफेस के बाहर। अगर मुझे ई की वैल्यू सरफेस के ऊपर निकालनी है, तो स्मॉल आर को क्या पुट करना पड़ेगा, कैपिटल आर, ये टर्म कैंसल, ई की वैल्यू आ गई। तो सरफेस के ऊपर भी ई आ गया। अगर सरफेस के अंदर ई निकालना है, तो क्या सिखाया था, सरफेस के अंदर आप गॉशियन सरफेस लें। इस बार गॉशियन सरफेस स्फेयर सरफेस के अंदर बनेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे, इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो नीले सरफेस के ऊपर है, तो अंदर चार्ज क्या है, 0। तो फ्लक्स क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से 0। तो ई की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो देखो हमने ये फ्लक्स निकाला, लेकिन जब फ्लक्स निकाला गॉस थ्योरम से, तो फ्लक्स 0 आया, इक्वेट करके ई की वैल्यू भी 0 आई। तो हमने क्या डिस्कस किया कि ई की वैल्यू, अगर एक चार्ज्ड शेल है
और आपको ई की वैल्यू निकालनी है किसी भी चार्ज शेल के अंदर, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। फिर मैंने सभी फॉर्मूलाज को यहां पे लिखा, सभी फॉर्मूलाज में स्मॉलर डिस्टेंस पे ई निकाला, अभी ड्राइव किया, सरफेस के ऊपर ई निकाला और सरफेस किसी भी पॉइंट के अंदर ई क्या रहेगा? जीरो। फिर मैंने एक मॉडिफिकेशन दिखाई कि अगर मैं सिग्मा को पुट करूं चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितना? 4π R², क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है? 4π R² पे। यहां से R² कैंसिल और ई की वैल्यू आ गई, तो ये ई की वैल्यू आ गई। तो ई की वैल्यू स्मॉलर डिस्टेंस दूर क्या आएगी? 1/4π ε₀ टोटल चार्ज बाय R². तो या तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आएगा या ये आएगा, सरफेस के ऊपर या ये आएगा या ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आएगा, और इनसाइड तो ई जीरो ही रहेगा। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि इनसाइड ई की वैल्यू जीरो होती है तो ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, किसी भी शेल के अंदर ई जीरो है, शेल के बाहर ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल R² है, तो ये ग्राफ बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आएगा, शेल के अंदर ई का ग्राफ वर्सेस आर ड्रॉ करें। यहाँ तक क्लियर है? ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। और क्योंकि किसी भी शेल के अंदर ई जीरो है तो चार्ज शेल के अंदर ई जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हुए भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना चाहते हैं तो आप क्लोज बॉडी के अंदर जाके छुप जाएं, तो ई की वैल्यू शेल में जीरो हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचने का तरीका क्लोज बॉडी में जाके छुप जाना।